नमस्कार दोस्तों, अब देखिए मेरे पास एक नोकिया x1-01 कीपैड मोबाइल है। इसको डिस्प्ले में लाइटिंग नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है अब मैं ये वीडियो में तुम्हें बता दूंगा। देखिए दोस्तों, इसमें ग्राफिक ही तो आ रहा है लेकिन डिस्प्ले में लाइटिंग नहीं है। देखिए दोस्तों, इसे लाइटिंग आने वाले ट्रैक्स कट हो गए है दोस्तों। इसके लिए हम एक ट्रैक्स कहाँ से लगाना है मैं तुम्हारे ये वीडियो में बता दूंगा। देखिए दोस्तों, हमारा ये मोबाइल को थोड़ा नजदीक से बता दूंगा। देखिए दोस्तों, ये पहला वाला ग्राउंड होता है, ये सेकंड वाला फेस पॉइंट होता है दोस्तों, और थर्ड वाला फिर ग्राउंड पॉइंट होता है। अब हम इसको फेस आना है, इसके ग्राउंड सप्लाई आना है दोस्तों। ऐसा आने से हमारे को ये डिस्प्ले में लाइटिंग आ जाएगा, लेकिन ये दोनों सप्लाई इसमें आना नहीं है। ये दोनों को फेस और न्यूट्रल सप्लाई दोनों वाले पॉइंटर्स यहाँ है। देखिए दोस्तों, बैक साइड में ये दो पॉइंटर्स है ना, फेस और न्यूट्रल सप्लाई है दोस्तों। हमारे डिस्प्ले जाने वाले सप्लाई ट्रैक्स है दोस्तों, ये और ये साइड वाला, ये फेस पॉइंट होता है दोस्तों, ये ग्राउंड पॉइंट होता है। अब हम पहला मीटर से चेक कर लेंगे हमारे के इसे सप्लाई आता है कि नहीं है। चेक करके बाद में ये दोनों हम जम्पर कर लेंगे। हमारे लाइटिंग सेक्शन है दोस्तों, इसी से हम ये दोनों को जम्पर कर लेंगे। ऐसा करने हमारे को डिस्प्ले में लाइटिंग आ जाएगा। पहला हम मैं अब इसमें सप्लाई आता नहीं चेक करके बता दूंगा। हम वो चेक करने के लिए मीटर को DC 20 बेंच पर रख देना है। देखिए दोस्तों, मीटर को DC 20 बेंच पर रख दिया है। रखने के बाद ये साइड वाला ग्राउंड पॉइंट होता है, ये साइड वाला फेस पॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, सप्लाई नहीं आ रहा है, उसके लिए हमारा डिस्प्ले में लाइटिंग नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, कौन सप्लाई भी आना नहीं है। ओके, इसके बाद में हमारा लाइटिंग सेक्शन में कहां तक सप्लाई आता है हम चेक कर लेंगे दोस्तों। हमारा ये फेस पॉइंट वहां से लेकर यहां तक आ जाता है दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक आ जाता है, यहां तक सप्लाई आना है दोस्तों। ये ट्रक यहां से लेकर यहां तक रहता है, वहां से नीचे डायोड है। देखिए दोस्तों, थोड़ा जल्दी से बता दूंगा मैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा ये फेस पॉइंट का सप्लाई है, डिस्प्ले को फेस सप्लाई आ जाता है आपको। यहां तक आता है, ये कैपेसिटर का साइड तक आता है, वहां से लेकर ये डायोड में से सप्लाई आ जाता है दोस्तों। ये हमारा ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इसमें से लेकर ये पॉइंट से लेकर हमारे डायोड को सप्लाई आ जाता है, इसी से लेकर हमारे पॉइंट को फेस सप्लाई आ जाता है। हमारे ट्रांजिस्टर फेल्ड होने से नहीं तो डायोड फेल्ड होने से, और ये हमारा ये ग्राउंड पॉइंट कट होने से भी ऐसा डिस्प्ले में लाइटिंग प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। हम इसको शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए क्या करना है क्या बोले तो, हमारा ये ट्रांजिस्टर का साइड पॉइंट से डायोड को जम्पर कर देना है, नहीं है तो ये साइड पॉइंट से कैपेसिटर को डायोड जम्पर कर देना है, करके हमारा ये पॉइंट को ग्राउंड कर देना है दोस्तों। ऐसा करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, डिस्प्ले में लाइटिंग आ जाता है। मैं यहां से लेकर कैपेसिटर को जम्पर कर जाता है। देखिए दोस्तों, ओके, देखिए दोस्तों, अब मैं ये ट्रांजिस्टर का ये साइड पॉइंट से, अब देखिए दोस्तों, मैं ये ट्रांजिस्टर का ये साइड पॉइंट से हमारे कैपेसिटर का पॉइंट को मैं जम्पर कर दिया है। देखिए दोस्तों, कर दिया है, बाद में हम इसको ग्राउंड कर देना है, ये पॉइंट को ग्राउंड कर देना है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसे भी जम्पर कर दिया है, बॉडी से ग्राउंड सप्लाई दे दिया है, और ये ट्रांजिस्टर साइड पॉइंट से कैपेसिटर को जम्पर कर दिया है। अब मैं बटन प्रेस करके हमारा डिस्प्ले में लाइटिंग आता नहीं चेक कर देता है। देखिए दोस्तों,
ओके देखिए दोस्तों हमारे डिस्प्ले में लाइटिंग आ गया है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। देखिए दोस्तों अब हमारे बीच में सप्लाई क्या तार रहा है कि एक बार सप्लाई चेक करेंगे। देखिए दोस्तों सप्लाई आ रहा है, जैसे फॉरफिट से है हमारे को डिस्प्ले को लाइटिंग आ रहा है। ऐसा हम डिस्प्ले में प्रॉब्लम आया है तो डिस्प्ले में लाइटिंग नहीं आ रहा है तो ये मोबाइल को ऐसा हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। हमें एक कौन सा कमांड रिमूव नहीं कर देना है दोस्तों, तो ओनली हम ऐसा एग्जांपल करने से हम ये ट्रांसमीटर से कैपेसिटर को डायरेक्ट एग्जांपल करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है दोस्तों। यही तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है। ऐसा लेटेस्ट अपडेट्स होगा मैं तुम्हारे के लिए लेकर आने वाला हूँ, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज। थैंक यू दोस्तों।